डिवाइसेस को जाम कर देते हैं। अब वो डिवाइसेस मुझे क्यों नहीं मिलते? बहुत लाउड है। एक बात, दूसरी बात ये है कि मेरे जेन में ये बात है, ठीक है। सबसे पहले मैसेज क्या है कि स्ट्राइकर के बनने के बाद हमारे लिए सिर्फ बमबारी है। जो मैसेज अक्सर और बेहतर दिया गया है वो दिया गया है तीनों की तरफ से कि जी हम इकतदार में आएंगे तो हम यहाँ से ये दहशतगर्दी खत्म करेंगे। अब दहशतगर्दी का मयार क्या है, दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है, टेररिज्म को आप कैसे डिफाइन करते हैं, उसका लेवल, उसका मेरिट क्या है? आज तक हम लोग इस चीज को डिफाइन नहीं कर सके। एक कॉलर साहब ने बात की थी, मुझे इस बात पर अफसोस है, मैं ये बात करूंगा जरूर। वो एक लियाकत अली खान को मार दिया गया, एजेंसी ने मारा। मैं भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा, आवाम कहाँ थी उस वक्त? जुल्फकार अली भुट्टो आखिरी वक्त तक पासपोर्ट उस कौम को इसने दिया। मैं मुस्लिम लीग नून का स्पोक्स मैन हूँ और मैं सब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ। गैर जानबदार बात करें, जुल्फकार अली भुट्टो ने इस कौम को पासपोर्ट दिया, 73 का गैर जानबदार आयन दिया, मुकन्नना दी, बाख्तियार पार्लियामेंट दी, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बनाने का, इन्वेस्टमेंट बैंक बनाने का प्रोग्राम दिया, साथ में उसने इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस करवाई और तमाम लोगों को वहां इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उसने आपको एटॉमिक रिएक्टर दिया। आखिरी दम तक वो इस आस पर फांसी पे चढ़ा कि ये कौम आएगी और मुझे बचा कर ले जाएगी। कहां थी उस वक्त? क्या बात है। मुझे दूसरी बात ये बात बताएं कि ये सारे बात करते हैं, आज तक जिसने अच्छा काम किया है, जिसने अच्छा काम किया उसको ये एजेंसी ने बाहर निकाल के फेंक दिए, या CIA ने आकर 88 तक तो दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क CIA का था, 88 तक तो आपका फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो ओकले जैसा आदमी बुलाकर उसकी अपॉइंटमेंट करता था। आप कहां बैठे और ये आवाम कहां सोई रही? और जब इस किस्म का कुछ आने होता है, 200 शख्स इन्होंने मारा वजीरिस्तान में, इससे पहले किसी कॉलर ने कॉल नहीं की। दरगाह के अंदर 200 बच्चा मारा गया, कोई शख्स नहीं आया। मियां चन्नू में एक बच्चे ने अपने एक शख्स ने अपने बच्चे बेचने के लिए खड़े कर दिए, कोई नहीं आया। दो आर्यों के बच्चों को 8 दिन तक एक जागीरदार अपने पास रखता है, वो जियो के ऊपर आती है, किसी ने कोई बात नहीं की। मैं हैरान हूं, और किसी बड़े आदमी के साथ कोई वाकया हो जाता पूरी कौम मूवमेंट के सामने आ जाती। ये भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। मैं समझता हूं कि इंटेलेक्चुअलिटी का हाईएस्ट लेवल है कि अगर आप छोटी बातों के ऊपर प्रोटेस्ट करते तो आज ये बड़े वाकयात ना होते। तूफान बदतमीजी की इंतहा जनाब, जो कुछ भी था, एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, लाल मस्जिद वाला वाकया हुआ, दुनिया के आलम इस्लाम की सबसे बड़ी दरगाह के बच्चों की, मकसद ये नहीं था कि उनको तोपों से उड़ाया जाता। जी मोहसिन भाई, आपकी जानिब एक बार फिर आएंगे, मैं चाहूंगा कि दो चार कॉलेज प्रोग्राम में शामिल करूँ। 115